आठ चाह लेंगे अगर हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई परिंदा पर नहीं मारेगा। कोई मनुवादी, कोई सामंतवादी, कोई आतंकवादी, कोई देशद्रोही, कोई संविधान विरोधी लाख अपनी कोशिश कर ले, यहाँ तक के सरकार भी कोशिश कर ले, अगर जाट ने ठान लिया है तो वहाँ परिंदा पर नहीं मारेगा। नहीं तो ठाना है, मेव हमारे भाई है, ये कैसी लड़ाई? अरे मैं भी नहीं, पूरे भारत के लोग आपके भाई है। भाइयों से कह रहा हूँ मैं, अपने हिंदू भाई, बड़े भाई हमारे है ना, इस देश को वही बचा सकते हैं, हम नहीं बचाने वाले। ये जो ज्यादा जिम्मेदारी उनकी ही जिम्मेदारी है, मैं तो छोटा भाई हूँ, मुझे वो अगर मैं गलत करूं तो एक पर मारे, मेरे बच्चे गलत हैं उसे मारिए पीटिए, मैं गलत हूँ मुझे आप टोकिए, लेकिन देश संभालना आपको है, हम नहीं संभाल सकते, बड़े आप हैं, आपकी जिम्मेदारी है इस देश के संवैधानिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त और चुस्त और सही किया जाए। अगर जाट अगर वाकई ईमानदारी से मुसलमानों के साथ हैं, लिख लो कोरे कागज पर, किसी माई के लाल में ये दम ही नहीं है कि हरियाणा जैसे क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में और पंजाब के कुछ हिस्सों में कहीं भी हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई जैसा कोई धार्मिक मामला उठ पाए। अगर सभी भाइयों, अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों, शोषितों, कमजोरों, उनके साथ अगर आप करें तो आप हीरो हैं हमारे, आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे नेता हैं। लेकिन हर महीने में 3 बार यात्रा निकालते हैं और ये जगह ऐसी तलाश करते हैं जहां जानबूझकर टेंशन किया जाए, और मस्जिदों पर आपने पिछले कई यात्राओं की तस्वीरें देखी होंगी, मस्जिदों को निशाना बनाते हैं, गंदे गंदे नारे लगाते हैं। और सबसे बड़े अफसोस की बात है कि हिंदू धर्म के धर्म गुरु इनका समर्थन कर देते हैं जबकि धर्म का अपमान है ये। चंद्रशेखर रावण ने की, हजारों की भीड़ थी, न उस मॉब लिंचिंग का जिक्र, न नूह का जिक्र। ये जिक्र तो किया है कि मुसलमान नहीं होते तो बाबा साहब संविधान नहीं बना पाते। अरे मुसलमान नहीं होते तो चंद्रशेखर जी आप भी कुछ नहीं बन पाओगे, लाओ कोरे कागज पे लिख दूं, बुरा लगे तो लगे किसी को, बगैर मुसलमान के ना मायावती कभी मुख्यमंत्री बनेंगी, ना चंद्रशेखर कभी कुछ बनेंगे, ना केजरीवाल बनेंगे, और ना वाकई जो कुछ कहा है वही अगर सच होगा तो आप किसी कोड़े कागज पर लिख लेंगे इंशाल्लाह। किसी में हिम्मत, मैं सरकार को कह रहा हूँ, सरकार में हिम्मत नहीं, खट्टर सरकार में हिम्मत नहीं है, ऐसी नहीं कैसी भी नहीं होगी, परिंदा भी पर नहीं मारेगा। अनुच्छेद के अनुसार 1200 घर पर बुलडोजर चला, देश का विपक्ष कहाँ है? राहुल गांधी क्यों नहीं इस सवाल को उठा रहे हैं? अखिलेश क्यों चुप है? मायावती क्यों चुप है? नीतीश कुमार क्यों चुप है? ममता क्यों चुप है? तेजस्वी क्यों चुप है? तमाम नेताओं से मैं कहता हूं भैया ये 1200 घर पर बुलडोजर कैसे चला, किस कानून के तहत चला? संविधान की बात आप कर रहे हैं, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं आप। जालिम मजलूम पर जुल्म न करे, किसी कमजोर को न सताए, किसी गरीब को न मारे, किसी को न लूटे, किसी का कत्ल नाजायज ना हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों की बात कीजिए आप, किसी का कत्ल नाजायज ना हो, किसी पर बुलडोजर गलत न चले, किसी की जमीनें गलत न हड़पी जाएं, और किसी को गैर कानूनी परेशान न किया जाए, ये रास्ता हमें अपनाना है। हम जाट भाइयों के साथ हैं, जाट भाइयों के पीछे हम लट लेकर खड़े हैं, आगे तो खैर हम आपके हो नहीं सकते। देखिए नू में जो हिंसा हुई है उसको लेकर अब 28 तारीख की एक कॉल सामने आई है, और उस कॉल में कहा गया है 28 तारीख को वहाँ पर शोभा यात्रा फिर से निकाली जाएगी, और इसी को लेकर जो है कई तरह के विरोध भी सामने आ रहे हैं जिसमें जामिया के छात्रों ने विरोध किया है। वहीं दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि तमाम जाट जो है वो मेवातियों के समर्थन में आ गए हैं और उस तरह की कॉल का बाइकआउट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो 28 तारीख की शोभा यात्रा नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्थिति कैसी है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि खबर ये भी है कि उस 28 तारीख की यात्रा को रोकने की बात कही जा रही है। हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर हैं, बाखूबी आप इनका चेहरा पहचानते होंगे, अलग अलग मुद्दों पर आपको टीवी डिबेट्स का हिस्सा बनते हुए आप इन्हें देखते हैं, इनसे बात करेंगे। सर किस तरह से देखते हैं अब जो घटना बीती है, क्या उसको दोबारा से ताज़ा करने के लिए आखिर ये 28 तारीख की शोभा यात्रा का जो आह्वान किया गया है वो क्यों किया गया है, होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं जामिया के उन छात्रों को बधाई देता हूँ जिन्होंने समय रहते सरकार को एक संदेश देने का काम किया। दरअसल शोभा यात्राओं का जो एक सीरीज़ चला है पूरे देश में, ये भी एक अजीब सा मामला है, पहले इस तरह नहीं हुआ करता था। रामचंद्र जी के जन्म पर रामनवमी जिसको बोलते हैं उसमें होता था, और कभी हनुमान जी के जयंती पर, कुछ खास मौक़ों पर, महाशिवरात्रि वगैरह पर। अब ये लोग हर महीने में 3 बार यात्रा निकालते हैं और ये जगह ऐसी तलाश करते हैं जहाँ जानबूझकर टेंशन किया जाए, और मस्जिदों पर आपने पिछले कई यात्राओं की तस्वीरें देखी होंगी, मस्जिदों को निशाना बनाते हैं, गंदे गंदे नारे लगाते हैं। और सबसे बड़े अफसोस की बात है कि हिंदू धर्म के धर्म गुरु इनका समर्थन कर देते हैं जबकि धर्म का अपमान है ये। रामचंद्र जी के आदर्श को अगर आप मानते हैं तो आप मस्जिद में जाकर गाली बकेंगे? अब तो नहीं करते ना समर्थन, आप ये कैसे कह सकते हैं? अधिकांश मैं कह रहा हूँ, ये माहौल तो खराब होता है ना, अधिकांश धर्म गुरु टीवी चैनलों पर भी और इधर उधर भी और भाषणों में भी, अभी नहीं था वो महामंडलेश्वरी तो था परसों जंतर मंतर पर, तो वो भी तो धर्म गुरु है महामंडलेश्वर। आपने देखा ये नहीं देखा कि उनके समर्थन में क्या चंद लोग आए थे?
चंद लोग थे लेकिन माहौल तो खराब हो रहा। सरकार जाने अनजाने ऐसे ही लोगों को प्रमोट भी कर रही है। मसला ये है, ये जो गिरोह है मुट्ठी भर गिरोह जिसको आप किसी भी नाम से जानते हैं, बजरंग दल बोल दीजिए, हालांकि ये सब बोलना भी बकवास ही है, लेकिन बहरहाल नाम इसने रख लिया है। तो ये तो हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को सोचना है कि क्या भगवान के नाम पर बनाए संगठनों के साथ यही सब होगा। तो ये मुट्ठी भर लोग, इसलिए मुट्ठी भर लोग सीना चौड़ा किए हुए हैं कि सरकार की पुष्टपनाही है। और दो तीन बातें अहम इसमें ये हैं कि सिर्फ सरकार की पुष्टपनाही नहीं है, सिर्फ सरकार की अगर होती, बाकी विपक्ष की भूमिका अगर पॉजिटिव होती तो भी मसला शायद ऐसा नहीं होता। अफसोसनाक पहलू यह है कि जिस पिच पर भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है और दूसरों को भी लाना चाहती है, उसी पिच पर, उसी मैदान पर तमाम पार्टियां उतर चुकी हैं। देखिए कमलनाथ, बाबा बागेश्वर हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर चुके हैं कि हर हाल में लागू हो, बल लागू हो चुका, बस हो जाएगा यही। और कमलनाथ चार बार उनके चरण छू चुके हैं, रोज उनके हर पाँच दिन के बाद कमलनाथ जो है बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंच रहे हैं। कौन सा सेकुलरिज्म है? आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब नूह में जो कुछ हुआ, नूह में आप देखें ईमानदारी की बात, अभी एक नेता हमारे हैं चंद्रशेखर रावण, है ना, मजबूत नेता है। भारत के किसी कोने में दलितों की कहीं मॉब लिंचिंग हो, कोई एट्रोसिटी हो, ये पहुंचते हैं दलबल के साथ। नूह पहुंचे क्या? ये नहीं पहुंचे। अब एक बार और बता दूं, नहीं पहुंचे। नूह के बराबर में अभी पांच चार दिनों पहले मॉब लिंचिंग हो गई, सरकारी मॉब लिंचिंग, एक मुसलमान की, तीन की हुई, एक मर गया, दो बच गया, आपको पता होगा अलवर में जो वन विभाग वाला मामला है। और उसके बराबर में अभी एक रैली चंद्रशेखर रावण ने की, हजारों की भीड़ थी, न उस मॉब लिंचिंग का जिक्र, न नूह का जिक्र। ये जिक्र तो किया है कि मुसलमान नहीं होते तो बाबा साहब संविधान नहीं बना पाते। अरे मुसलमान नहीं होते तो चंद्रशेखर जी आप भी कुछ नहीं बन पाओगे, लाओ कोरे कागज पे लिख दूं, बुरा लगे तो लगे किसी को, बगैर मुसलमान के ना मायावती कभी मुख्यमंत्री बनेंगी, ना चंद्रशेखर कभी कुछ बनेंगे, ना केजरीवाल बनेंगे, और ना यही मिथक तो भाजपा ने तोड़ा। पहले मुसलमान कहता था इस बात को, मेरे बगैर वोट के तुम नहीं बन सकते हो, भाजपा ने कहा हम बन सकते हैं, हाँ भाजपा बन सकती है, तुम नहीं बन सकते हो, तुम्हें भी भाजपा में जाना पड़ेगा, तो जाओ जाओ आर पार देखते हैं। बात समझ रहे मेरी बात? तुम्हें अगर बनना है, आज संविधान मिटाने की बात चल रही है, क्या आज चलिए? अभी आर्थिक सलाहकार जो माने प्रधानमंत्री के, उनका जो आर्टिकल आया जिस पर बवंडर मचा है, इससे पहले प्रयागराज में बाजाब्ता संविधान की कॉपी रखी गई कि ये संविधान होगा जो मनुस्मृति पर आधारित होगा, दैनिक जागरण ने छापा उसको और कहा गया कि वर्तमान संविधान को हम खारिज करते हैं। जिसने कहा वर्तमान संविधान को खारिज करते हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पर आप अलवर की बात कर रहे थे, अभी मैं आपको यह रोकना चाहूंगा, अलवर में ही बड़ी जाटों की पंचायत हो रही है, खाप पंचायत है उसमें हिस्सा ले रही है, और वो मेवातियों के साथ तन मन धन से साथ है कि हम ये नहीं होने देंगे। मैं थोड़ा सा ना दूसरे ढंग का आदमी हूँ और मैं चमचागिरी नहीं करता हूँ। मैं परसों एक प्रोग्राम में था इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, तो इलियास आदमी साहब मरहूम के सवाने हयात खिदमात पर चर्चाएं चल रही थी, कुछ लोगों को मैं सुन रहा था, मुझे लग रहा था चमचागिरी की जो सारी सीमा होती है ना वो लोगों ने पार कर दिया। मैं ये काम नहीं करता हूँ। जाट अगर वाकई ईमानदारी से मुसलमानों के साथ हैं, लिख लो कोरे कागज पर, किसी माई के लाल में ये दम ही नहीं है कि हरियाणा जैसे क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में और पंजाब के कुछ हिस्सों में कहीं भी हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई जैसा कोई धार्मिक मामला उठ पाए। जाट में वो ताकत है, खड़े तो हैं जाट, नहीं खड़े हैं, ये सियासी है लड़ाई। चूंकि मैं तो मना रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसा हो। जाट चाह लेंगे अगर हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई परिंदा पर नहीं मारेगा, कोई मनुवादी, कोई सामंतवादी, कोई आतंकवादी, कोई देशद्रोही, कोई संविधान विरोधी लाख अपनी कोशिश कर ले, यहाँ तक के सरकार भी कोशिश कर ले, अगर जाट ने ठान लिया है तो वहाँ परिंदा पर नहीं मारेगा। नहीं तो ठाना है, मेव हमारे भाई हैं, ये कैसी लड़ाई? अरे मेव ही नहीं, पूरे भारत के लोग आपके भाई हैं। यदि आप संविधान की सुरक्षा, आप अगर समाज की सुरक्षा, आप अगर देश की सुरक्षा, आप अगर सभी भाइयों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों, शोषितों, कमजोरों, उनके साथ अगर आप करें तो आप हीरो हैं हमारे, आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे नेता हैं, लेकिन आपको ईमानदारी से उनके साथ खड़ा होना। आप हो रहे हैं खड़े, कितनी पंचायतों का ऐलान इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं 28 का भी और आगे का भी। अगर वाकई ईमानदारी है इसमें, सियासत नहीं है, चूंकि हरियाणा की सियासत को मैं समझता हूँ। हरियाणा की सियासत क्या है? हरियाणा की सियासत में
पिछले इतने पे तो लग रहा होगा ना कि इतना माहौल बिगड़ा और स्टेटमेंट पहले भी जो हो चुका है उसमें तो आपको दिख रहा होगा कि जाट शामिल नहीं थे। नहीं, जाट वाकई शामिल नहीं थे, लेकिन अब कुछ जाट सरफिरे नौजवानों के वीडियो भी आ रहे हैं बजरंग दल की तरफ से। हाँ, जैसे हमें भी मुसलमानों में भी सरफिरा बिल्कुल है, हम भी तस्लीम करते हैं। हमारे यहाँ सब दूध के धूले नहीं है भाई, हमारे यहाँ भी लड़के गड़बड़ है, बहुत सारे नौजवान बहुत सारे गड़बड़ हैं। लेकिन अगर हकीकत में वाकई जो कुछ कहा है वही अगर सच होगा तो आप किसी कोड़े कागज पर लिख लेंगे इंशाल्लाह। किसी में हिम्मत, मैं सरकार को कह रहा हूँ, सरकार में हिम्मत नहीं है, खट्टर सरकार में हिम्मत नहीं है। ऐसी नहीं, कैसी भी नहीं होगी, परिंदा भी पर नहीं मारेगा, मैं कह रहा हूँ परिंदा पर नहीं मारेगा। लेकिन अगर ये दिल से होगा तो, लेकिन अगर सियासत होगा, मारना भी है और पीठ भी सहलाना है। ये मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने किया ना, बहुत लंबा गेम। कांग्रेस मारती भी थी, कूटती भी थी, काटती भी थी, लूटती भी थी, बर्बाद भी शहर उजाड़ दिया और फिर सर पर हाथ रख दिया। फिर मौलाना को उठाया, राज्यसभा में भेज दिया। ना, फिर हमारे मौलाना को उठाए, राज्यसभा में भेज दिए। फिर हमारे बोलने वाले नेता को उठाए, मंत्री बना दिए। फिर किसी को चेयरमैन बना दिए, हो गया खेल खत्म। मुसलमान तो बेचारा है ना, बेचारा, उसको क्या है। मौलाना आए स्टेज पे, तकरीर किए, अरे छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, छोटी मोटी मेरठ छोटी बातें थी, मलियाना छोटी बातें थी, हाशिमपुरा छोटी बातें थी, आप भागलपुर छोटी बातें, नैली छोटी चीज़ है, कोकराझार छोटी चीज़ है, मुंबई छोटी चीज़ है, क्या हजारों शहर जला दिए गए, तबाह बर्बाद कर दिया। कोई शहर बताइए जहां दंगे न कराए गए हों। पर जो बीत गया है, जैसे मैं कुरियत नहीं रहा हूं, मेरा कहना है कि हमें उस हाल जो मैं अपने भाइयों से कह रहा हूं, मैं अपने हिंदू भाई, बड़े भाई हमारे हैं ना, इस देश को वही बचा सकते हैं, हम नहीं बचाने वाले। ये जो ज्यादा जिम्मेदारी, उनकी ही जिम्मेदारी है। मैं तो छोटा भाई हूँ, मुझे वो अगर मैं गलत करूं तो एक लप्पर मारे। मेरे बच्चे गलत हैं, उसे मारिए, पीटिए, मैं गलत हूं, मुझे आप टोकिए, लेकिन देश संभालना आपको है, हम नहीं संभाल सकते, बड़े आप हैं। आपकी जिम्मेदारी है इस देश के संवैधानिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त और चुस्त और सही किया जाए। अगर संविधान को किनारे रखकर, 1200 घर किसने तोड़ दिया भाई, किस संविधान में लिखा था, किस अनुच्छेद के अनुसार 1200 घर पर बुलडोजर चला, देश का विपक्ष कहाँ है, राहुल गांधी क्यों नहीं इस सवाल को उठा रहे हैं, अखिलेश क्यों चुप है, मायावती क्यों चुप है, नीतीश कुमार क्यों चुप है, ममता क्यों चुप है, तेजस्वी क्यों चुप है, तमाम नेताओं से मैं कहता हूं, भैया ये 1200 घर पर बुलडोजर कैसे चला, किस कानून के तहत चला। संविधान की बात आप कर रहे हैं, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं आप। अगर कोई अक्यूज है, मैं अक्यूज हूँ, मैं मुल्जिम हूँ, तो संविधान ने एक प्रक्रिया बताया ना, एक तरीका दिया ना भाई, मुझे पुलिस गिरफ्तार करेगी, थाने ले जाएगी, मुकदमा दर्ज होगा, मुझे पेश किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर वो जाकर चार्जशीट फाइल होगा, फिर सजा होगी। ये हमारे यहाँ प्रक्रिया है। आप सीधे बुलडोजर लेके आए और चला दिए और आपने कहा ये बाबा का बुलडोजर है, तो ये बाबा का संविधान है, कौन से बाबा, ढोंगी बाबा का? अरे भारत में बाबा का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, एक ही बाबा, ये दूसरा बाबा कहाँ से आ गया? तो ये जो दूसरे बाबा को लाया गया है और दूसरे बाबा का बुलडोजर चला रहा है, ये संविधान को नष्ट करने वाले, हर एक बुलडोजर के पीछे संविधान का एक पन्ना नष्ट हो रहा है। देश के लोगों, देश के अम्बेडकरवादियों, देश के समाजवादियों, देश के लोहियावादियों, अरे एक बात बताऊंगा आपको, बिहार का मैं रहने वाला हूँ, बाबू जगदेव का वहाँ एक पथ है, बिहार पटना जाएंगे ना, बाबू जगदेव पथ, पूछिए कौन थे बाबू जगदेव। जगदेव कुशवाहा थे जिन्होंने वाजाफ्ता नारा दिया था दलितों, शोषितों, पिछड़ों और वंचितों के अधिकार का। नतीजे में उनकी हत्या कर दी मनुवादियों ने, शहीद हुए वो, और उन्हीं के बिरादरी के उपेंद्र कुशवाहा हैं। लुढ़क के इधर कोई संविधान से मतलब नहीं, मुझे चाहिए पद, कभी लुढ़क के इधर कभी लुढ़क। उपेंद्र कुशवाहा से पूछिए जगदेव बाबू आपके आइडियल हैं या क्या कहते हैं हेडगवार आइडियल हैं आपके, या क्या कहते हैं वो बार बार जिसको राहुल गांधी अटैक कर रहे थे पिछले कई दिनों से सावरकर, कौन है आपके आइडियल? अगर जगदेव बाबू आइडियल हैं तो फिर आप क्यों इधर उधर भाग रहे हैं, आप सीधी फ्रंट फुट पर आकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जो लोग कहते हैं बाबा साहब हमारे आइडियल हैं, गांधी जी हमारे आइडियल हैं, जगदेव बाबू आइडियल हैं, लोहिया आइडियल है, मैं उनसे तो सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपके आइडियल लोहिया हैं, आपके आइडियल जगदेव बाबू हैं, आपके आइडियल अगर कर्पूरी ठाकुर हैं, आपके आइडियल अगर कांशीराम हैं और बाबा साहब अम्बेडकर हैं और ज्योतिबा फूले हैं, तो आप वो रास्ता चल के हमको दिखाओ ना। आप तो घुलमिल अभी यहाँ पीला गमछा वाला जो है यूपी में, नहीं समझे, पलटी मार दिया। कल तक संविधान की बात कर रहा था, कल तक अधिकार की बात कर रहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी की बात कर रहा था, आज चला गया वहीं। फिर अब वो जिसको कह रहा था कि देशद्रोही संविधान, ये कंफ्यूजन देश में खत्म नहीं हो रहा। इन नेताओं को सर जनता दौड़ाए सड़क पर कि भाई तुम्हें एक बात बोलो, संविधान खतरे में कौन डाल रहा, ठीक है ये तो इसको किनारे करेंगे। अब तुम खुद कभी इधर जाते हो कभी उधर जाते हो तो हम तुम्हारी बात को माने कैसे, समझे कैसे? वो एक वीडियो ने मीम बजाय कहूँ तो कहूँ क्या और बोलूँ तो बोलूँ क्या, हम लोग की स्थिति वही हो गई है। हम लोग कहें क्या आज की स्थिति पर जब हम बात कर रहे हैं
तो ऐसे में हाफिज गुलाम सरवर उन जाटों के लिए क्या मैसेज देंगे, उस तबके के लिए क्या मैसेज देंगे जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ माने की बात कर रहा है, मेवात हिंसा के खिलाफ में खड़ा है कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, और जो अब ये शोभा यात्रा 28 को निकालने की लोग बात कर रहे हैं उसकी की भी मुखालफत खुले तौर पर वो समाज कर रहे हैं, उसको आपका क्या मैसेज? मैं उनके लिए बधाई देता हूँ उनको, लेकिन एक बात एडिशनल, हमारे जितने भी भाई हैं कभी ये ना कहो कि मैं मुसलमानों के लिए खड़ा हूँ, आप कहो भारत के लिए खड़ा हूँ, संविधान बचाने के लिए खड़ा हूँ, व्यवस्था बनाने के लिए खड़ा हूँ, कानून का पालन करवाने के लिए खड़ा हूँ, गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए खड़ा हूँ, गलत के खिलाफ लड़ूंगा, सही के साथ अड़ा रहूंगा। ये संदेश मेरी तरफ से उन तमाम भाइयों को, बधाई हो आपको, मुबारकबाद हो। आप ये बातें कहना छोड़ दें कि मैं मेवात के मुसलमानों के साथ हूँ, मेवात के मुसलमान कोई गलत होगा तो उन पे हो रही है ना, तो उनका नाम ले लिया तो क्या गलत हो? नहीं गलत नहीं, वो कहना है आपको, थोड़ा सा देखिए शब्दों का ही हेर फेर है, आप सच के साथ खड़े हो जाइए, आप मजलूम के साथ खड़े। जो प्रोटेस्ट हुआ जामिया के छात्र में, छात्रों ने किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही तो कहा है कि भाई मेवात में जो हिंसा हुई है उसके मुखालफत हम करेंगे। हाँ वो तो यही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने भी यही कहा कि गलत का गलत और सही का सही। अगर सरकार स्पॉन्सर, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पनप रहा तो सरकार के खिलाफ आपको खड़ा होना, यदि सरकार चाहती है कि व्यवस्था बने फिर भी कोई गड़बड़ कर रहा, यानी कोई आतंकवादी है, कोई अलगाववादी है, कोई नक्सलवादी है, तो उसमें समाज और सरकार दोनों मिलकर उसको लेगी। आज अगर जाट समाज एक बड़ा समाज है, मजबूत समाज है, फौज में भारत की बड़ी तादाद उनकी है, उस अल्लाह ने उनको कुव्वत हर तरह की दी है, वो ज़मीनों पर भी उनका कब्जा है अच्छा खासा, तो अगर वो पूरा समाज ये चाहता है कि देश में कोई जालिम मजलूम पर जुल्म ना करे, किसी कमज़ोर को ना सताए, किसी गरीब को ना मारे, किसी को ना लूटे, किसी का कत्ल नाजायज़ ना हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान दोनों की बात कीजिए आप, किसी का कत्ल नाजायज ना हो, किसी पर बुलडोजर गलत ना चले, किसी की जमीनें गलत ना हड़पी जाएं, और किसी को गैर कानूनी परेशान ना किया जाए, ये रास्ता हमें अपनाना है। हम इन जाट भाइयों के साथ हैं, जाट भाइयों के पीछे हम लठ लेकर खड़े हैं, आगे तो खैर हम आपके हो नहीं सकते क्योंकि हमारी औकात आपके आगे रहने की नहीं है, हम आपको नेता बनाएंगे। हम इस देश के दलितों को हमने नेता माना, हमने कभी मुसलमानों को नेता नहीं माना। देखिए नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया, इंदिरा जी को बनाया, शास्त्री जी को बनाया, एक बात बताइए आफ्टर डिवीज़न कभी भी मुसलमानों ने मुस्लिम प्रधानमंत्री या मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात की हो? दिल्ली में हमने केजरीवाल को बनाया, हमसे बड़ा सेकुलर कौन? बिहार में हम तेजस्वी को मान रहे हैं, हम नीतीश जी को मान रहे हैं, हम सारे हिंदू को ही बना रहे हैं। यूपी में हम मायावती जी को बना रहे हैं या अखिलेश जी को बना रहे हैं, हम जो वोट दे रहे हैं, हमने कभी ये कहा कि तो दिए नहीं कि मुस्लिम मुख्यमंत्री हो, हमने ये कहा कि भी कभी नहीं दिया कि मुस्लिम प्रधानमंत्री हो। अरे हद तो यह है कि मुस्लिम विधायक बनाने के भी चक्कर में हम नहीं पड़े, हम तो पार्टियों को देखा, अखिलेश मजबूत होंगे चाहे हिंदू उम्मीदवार क्यों ना हो, दूसरी पार्टी से अगर मुसलमान खड़ा है, यहाँ तक कि MIM से भी मुसलमान खड़ा है, तो भी हमने वोट नहीं दिया, सब हार गया। भैया अब इससे बड़ा हमसे इम्तहान क्या लोगे ये बताओ, और हमसे बड़े सेकुलर, हमसे सेकुलर क्या पूछोगे, कोई रास्ता बचता है क्या? हमने जब ओवैसी को वोट नहीं दिया, हमने तब अखिलेश को दिया, और तुमने, तुम्हारी बिरादरी थी अखिलेश, मुख्यमंत्री अखिलेश बनता, तुमने भाजपा को वोट दिया। मैं कह रहा हूँ कैमरे पर, यादवों ने भाजपा को वोट दिया, वरना अखिलेश हर हाल में मुख्यमंत्री बनते, हालांकि बन के बहुत तीर नहीं मार लेते, लेकिन बनते, कम से कम यादवों के लिए तो भला हो ही जाता 100%। तो ये सारी बातें हैं, मैं इस पर बार बार कह रहा हूँ कि देश के बहुसंख्यक भाइयों, आप ये मुट्ठी भर लोग जो गलतफहमी फैला रहे हैं उसके चक्कर में मत पड़िए। भाई हम सेकुलर हैं, रहेंगे और थे भी। वो जो बंटवारे की बात आती है, दो गुजरातियों ने बांटा इस देश को, जिन्ना गुजराती, पटेल गुजराती, गांधी गुजराती, उन तीनों की सेटिंग थी, और जिन्ना भी हिंदू, और जिन्ना का बाप कोई दादा नहीं, जिन्ना का दादा हिंदू नहीं था, जिन्ना का बाप ही हिंदू था, दादा तो हम लोग के तो लकड़ दादा पकड़ दादा हिंदू थे, बहुत पीछे मैंने 1000 साल 900 साल का जब इस्लाम आते ही, लेकिन उन जिन्ना का तो मैंने बाप ठक्कर जो है ठक्कर वो हिंदू था। तो ये गेम इन लोगों के सत्ता का था, उसमें भारत के आम मुसलमानों का कोई रोल नहीं था। माहौल बना, माहौल की हवा में जो लोग थे, अमीर लोग चले गए, गरीब लोग रह गए। भैया हमने इस देश को जब चुना, हम रह रहे हैं, हम अपनी सेवा दे रहे हैं। आज चंद्रयान पर भी हम गए, हम कौन सी ऐसी जगह बताओ जहां हम सेवा नहीं दिए? हमने अब्दुल हमीद दिया, हमने ब्रिगेडियर उस्मान दिया, हमने करगिल में, कहां हम नहीं रहे भाई? हमको भेजो ना, अभी चीन से भी निमटने के लिए हम तैयार हैं, हम कहीं पीछे नहीं हैं। मगर हम एक ही चीज़ चाहते हैं, यहाँ संविधान की व्यवस्था रहनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, तमाम मौजू पर बात की, साथ में सेकुलरिज्म की जो बात कही जाती है उस सेकुलरिज्म की बात अच्छे तरीके से हाफिज गुलाम सरवर सामने रख रहे थे और उन जाट भाइयों को का समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे थे जो अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं कि किसी भी तरह की हिंसा मेवात के अंदर दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया।